मौत को कम याद करना, आखिरत को न याद करना, आखिरत की फिक्र नहीं है, कयामत के दिन के हिसाब और किताब के ताल्लुक से ज़हन और दिमाग में कुछ बैठता नहीं है, मौत का तज़किरा बड़ा कम होता है। मौसा साजरी, जिस आदमी को अपने अंजाम का पता ना हो, जो आदमी अपने अंजाम से अपनी अगली मंजिलों से गाफिल हो जाए, याद रखे वो आदमी बड़ा नाकाम होता है, वो आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। मौत की याद इंसान को उसकी हकीकत बताती है, उसकी आखिरत की हकीकत बताती है, उसको अल्लाह की तरफ लौटाती है, उसे दिलों में नसीहतें लेने का एक मौका अता करती है। तो कसरत से मौत को याद करने का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म देते हुए कहा, अक्सिरु मिन ज़िक्रि हाज़िहि लज़्ज़ा, लज़्ज़तों को खत्म करने वाली मौत, इसको तुम कसरत से याद रखा करो, कसरत से याद रखो, क्योंकि ये मौत की कसरत से याद इंसान को अल्लाह से करीब करती है, उसकी जिंदगी की हकीकत बताती है और आखिरत की तैयारी का एक बेहतरीन मौका नसीब करती है। और मौत को याद करने के मुख्तलिफ तरीके, जिसमें से एक मैं बता दूं कि कब्रिस्तान की जियारत को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें, अपने रोजाना का या हफ्तावारी कोई रूटीन में इसको दाखिल कर लें कि आपको कब्रिस्तान की जियारत करनी है। कब्रिस्तान की जियारत करेंगे, अकेले करेंगे, जाकर के कब्रिस्तान में खबरों के दरमियान जाकर के ठहरेंगे, उनके हक में दुआ करेंगे, उनके ताल्लुक से सोचेंगे, अपने ताल्लुक से सोचेंगे, तो अल्लाह ताला दिलों को नरम कर देता है, अल्लाह ताला जिंदगी के मकसद को उसके दिल में डाल देता है।